वेलकम एवरीवन। अरे इसने बीच में ही रोक दिया पुल पे और अब स्पीड पकड़ ली। ये कर क्या रहा है? ओ हो हो हो, धुआं धुआं कर दिया इसने। परसों इस रोड पे एक्सीडेंट हो गया था, एग्जैक्टली ये देख लो तुम, ये जो डिवाइडर है ये देखो, इसमें सीधा गाड़ी बहुत स्पीड में घुस गई और आर्मी वाला था वो, एंड ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। और तुम्हें मैं एक और चीज दिखाता हूं, एग्जैक्टली आगे इसी ब्रिज पे एक और ऐसा सा बना हुआ है। उससे लास्ट ईयर एक कपल का एक्सीडेंट हुआ था एंड एक हस्बैंड की ऑन द स्पॉट पे डेथ हो गई थी और जो वाइफ थी उसकी हॉस्पिटल में जाके हुई थी। ये देखो, ये जो येलो साइन लगा है ना, इसके एग्जैक्टली पीछे ये जो सीमेंटेड सा पड़ा हुआ है ब्लॉक, मुझे समझ नहीं आया इसका पर्पस क्या है रोड पे। अगर इससे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं तो इसको हटा देना चाहिए, या तो पूरे में बनाओ किसी के लिए सेफ लेन हो। ये नहीं, बट ये बना ही नहीं है पूरे में, या तो पूरे में बनाओ या इसको हटा ही दो। कोई स्पीड में चल रहा है उसको क्या पता। चलो हाँ, मैं मानता हूँ ड्राइवर को पूरा वो रहना चाहिए फोकस, बट स्टिल गलती तो इंसान से ही होती है ना। बट कोई इसको नहीं हटाता। आगे शान भी जा रही है लेफ्ट साइड में झुकती हुई। बसेस के पीछे, हर एक के पीछे कुछ ना कुछ नाम लिखा होता है, रीजन अननोन। ये भाई साहब को देख लो, टू लेन हाईवे पे भी ब्रेक मार के बैठे हुए हैं। और बलेनो गाड़ी ऐसी है, अगर पीछे से किसी ने इसको ठोका ये खत्म है। ये गाड़ी बिल्कुल खत्म है, डब्बा है, प्लास्टिक बॉडी है इसकी। इतनी धूप है भाई आज, ये गाड़ी वाला ट्रक की शेड में रुका हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोई पेड़ नहीं है। रोड्स तो बनती हैं हमारी डेवलपमेंट के लिए, बट पेड़ भी कटने पड़ते हैं उसके लिए।